सामान्यतः हमें खुद की मानसिकता के सकरेपन की, ओछेपन की या फिर अपनी मानसिकता की संकीर्णता का बोध ही कहाँ हो पाता है, इसकी जानकारी ही कहाँ हो पाती है। हम तो इसी भ्रम में जीते रहते, हम तो इसी भ्रम के ही शिकार बने रह जाते हैं कि हम तो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत सही है, हमारी सोच बहुत उचित है, बहुत वृहद है, बहुत सकारात्मक है, बहुत सारे गुणों से ओतप्रोत है। परंतु हमें तो अनजाने में कोई और ही राह अच्छी लग रही होती है, और वह राह जो हमारे लिए उचित नहीं होती, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे लिए उचित ना होने के कारण नुकसान दे सकती है। पर यही भौतिकता की चकाचौंध हमें ऐसे भ्रमित किए रहती है कि हमें कभी अपनी वास्तविकताओं का बोध ही नहीं हो पाता, और हम दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण संकीर्ण मानसिकता के साथ जी भी रहे होते हैं, सक्रिय मानसिकता के साथ जी भी रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता, और जिसके कारण हम यह मान भी नहीं रहे होते हैं कि हम जो सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं वह संकीर्णता से भरी है, जिसके परिणाम स्वरूप संशोधन की कोई उम्मीद नहीं जग पाती, संतुलित करने की, समन्वित करने की कोई स्थिति तैयार नहीं हो पाती। और इन बदलावों के ना हो पाने के कारण हमारा जीवन कब अज्ञान से भरा हुआ ही रह जाता है, और हम उस अज्ञान के कारण अनेकों प्रकार की नकारात्मकताओं से, अवगुणों से भरे रह जाते हैं, उन्हीं के अनुरूप दिन रात कार्य करके अपने जीवन को अंधकारमय बना लेते हैं, पापमय बना लेते हैं। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमें उन कार्यों के दुष्परिणाम भी भुगतने ही पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख ही दुख भर जाते हैं। तब हमें दुख होता है, तब हमें कष्ट होता है, और कष्ट होने के कारण हमारा जीवन स्वयं को ही बोझ लगने लगता है। ऐसी हालत में हम अन्य लोगों के बड़े से समूहों तक को दोषी ठहराने लगते हैं, पर अपनी कमियों को नहीं देखते, अपनी असफलताओं को नहीं देखते, और उसका ठीकरा अन्य जनों पर थोपते रहते हैं। इससे काम कहाँ चलेगा, इससे कल्याण कहाँ हो सकेगा, इससे तो हम अपने आप को ही भ्रमित किए डाल रहे हैं, अपने आप को ही अंधकार की ओर धकेलते चले जा रहे हैं, और हमारा पतन दिन रात हमें ही नष्ट भ्रष्ट किए डाल रहा है। इसलिए ये समझना जरूरी है, ये महसूस करना जरूरी है, ये स्वीकारना जरूरी है कि हाँ, हमारी जो सोच है वह संकीर्ण है, सक्रिय है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। यदि सुधार कर लिए जाएं, परिवर्तन कर लिए जाएं, संतुलित कर लिया जाए अपने जीवन को, तो बड़ी घटनाएं, बड़ी क्रांतियां हमारे जीवन में घटित हो सकती हैं, और हमारा जीवन सुख, आनंद और ब्रह्मानंद से भ
भर सकता है।